हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर AIMIM और असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिंदू महिला टीम ने सारी विपक्षी पार्टियों के नाक में दम करके रख दिया है। हम बात कर रहे हैं कुछ महिलाओं का, कुछ हिंदू महिलाओं का जो जीत कर आए हैं और जिसे उम्मीदवार बनाया गया है, उनकी हम बात करेंगे। उनसे सारी विपक्षी पार्टी क्यों परेशान है, क्यों खास करके हिंदू तबके के जो लोग, या फिर ये कह सकते हैं कि जो AIMIM को पसंद नहीं करते हैं, वो लोग इनसे परेशान क्यों हैं और मीडिया भी इस चीज़ को लेकर तारीफ कर रही है। आइए एक एक करके देखते हैं, लेकिन पहले छोटा सा क्लिप आप देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से अब AIMIM पार्टी ना सिर्फ मुसलमानों तक सीमित है बल्कि दलित और आदिवासी और दूसरे तबके के लोगों तक भी AIMIM काफ़ी ज़्यादा जोर शोर के साथ आगे बढ़ रही है। ऐसा हो गया है ओवैसी साहब पर, कैसा भरोसा? वो आगे लाएंगे दलितों को भी, मुस्लिमों को भी, जो पछात हुए सब की कोई सुनता नहीं है, इसलिए हमको इसको भरोसा है। मोदी जी सबकी सुनते तो हैं, किसके सुनते हैं भाई साहब? जैसा कि आपने देखा दोस्तों कि अब किस तरीके से हिंदू महिला जो है, दलित हो या दूसरे तबके के लोग हो, वो असदुद्दीन ओवैसी साहब को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। लेकिन हम कुछ एग्जांपल देंगे और बताएंगे किस तरीके से न सिर्फ हिंदू महिला जो है वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं बल्कि AIMIM उनको टिकट भी दे रही है और जीत भी रही है। हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के अरुणा उपाध्याय की। मध्य प्रदेश के अरुणा उपाध्याय का ये छोटा सा क्लिप आप देखिए पहले, उसके बाद हम लोग बातें करेंगे। किस तरीके से अरुणा उपाध्याय जी जो है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब को शुक्रिया अदा कर रही है और असदुद्दीन ओवैसी और AIMIM की पार्टी जो है हिंदू महिलाओं को टिकट भी दे रही है, जैसे कि मध्य प्रदेश के अंदर इनको दिया वार्ड नंबर 2 से और इन्होंने शानदार तरीके से जीत भी हासिल की। पर्सनली ये मुलाकात करने भी गई वहाँ पर और असदुद्दीन ओवैसी साहब का काफ़ी ज़्यादा गुमगान जो है वो गाते हुए दिखाई दी। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं दोस्तों अभी हालिया में जीत कर आई हुई महिला सरिता देवी की। उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार जिले से जो है सरिता देवी AIMIM की तरफ से चुनाव लड़ती है और AIMIM को जीत दिलाती है। हालांकि इस जीत से जो है वो BJP वाले इतने ज़्यादा बौखला जाते हैं कि इनको खरीदने तक की बातें करते हैं, इनको अपने अंदर शामिल करने की बातें करते हैं। लेकिन सरिता देवी जो है, या सरिता देवी जैसी जो महिला है जो हिंदू होते हुए भी AIMIM की तरफ से चुनाव लड़ती है और न सिर्फ लड़ती है बल्कि जीतती भी है, ये डेडिकेशन दिखाता है, ये चाहत, ये जो है जज्बा दिखाता है कि किस तरीके से आने वाले दिनों में AIMIM को सारे ही तबके के लोग जो है पसंद करेंगे और जिताएंगे भी। इसके अलावा हम बात करते हैं दोस्तों कौशिका परमार की। कौशिका परमार गुजरात से ताल्लुक़ रखती है और इनको टिकट दिया है असदुद्दीन ओवैसी साहब ने। अहमदाबाद के दानी लिमड़ा विधानसभा है, वहाँ से जो है दानी लिमड़ा विधानसभा से ही इनको टिकट दिया गया है। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और ये जो है AIMIM को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करती हुई आ रही है और चुनाव लड़ेगी AIMIM के निशान पर और वहाँ के लोगों के अंदर AIMIM और मजलिस का किस तरीके से जो है एक तरीके का मोहब्बत डाल रही है, ये भी काबिल तारीफ है। तो आने वाले वक्त में इस तरीके की और भी कई सारे महिला जो है, ये मैंने हालिया जो महिला है उनकी बात बताई है, इस तरीके से पहले भी बहुत सारे महिला जीती हुई आ रही है लेकिन अब जो ज़्यादा काफ़ी सोशल मीडिया का टाइम है, अब ज़्यादा पॉपुलर हो रही है AIMIM की पार्टी। इस तरीके से उम्मीदवार जीत कर जब आते हैं और इस तरीके से अपना स्पीच देते हैं, अपना जो है एक सोच बयान करते हैं और ओवैसी साहब को मसीहा समझने लगते हैं, ये वाकई काबिल तारीफ़ है और आने वाले वक्त में इससे भी ज़्यादा और ताकतवर AIMIM बनकर निकलेगी, ऐसा सबको लगता है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। जय हिंद, लव यू।